अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे होंडा सिविक टर्बो के बारे में कि इसके में एक एसी का एक मसला आया हुआ है जो काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं कि इसका एसी का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें इसकी कूलिंग कॉइल जो होती है भाई, हमने इस पर डैशबोर्ड खोला हुआ है आपके सामने, पूरा डैशबोर्ड आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने इसका सामान यहाँ पर रखा हुआ पार्ट्स खोल के, तो इसमें ये इशू है कि इसकी कूलिंग कॉइल जो सी ना वो लीक हो जाती है। कूलिंग कॉइल लीक होने के बाद ये मसलसल ये पार्ट इस तरह आता है कि फिर कस्टमर अगर अपनी गाड़ी की गैस डलवाता है तो तकरीबन 15-20 दिन बाद वो गाड़ी का गैस खुद ब खुद निकल जाती है, जिससे कस्टमर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें हल्की सी लीकेज आ जाती है, जो कंपनी फॉल्ट है वो कूलिंग कॉइल लीक हो जाती है। तो कूलिंग कॉइल लीक होने के बाद इसका अक्सर ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि महीने बाद इसकी गैस लीक हो जाती है, कभी कभी 2 महीने बाद ही गैस लीक हो जाती है, जिसकी वजह से फॉल्ट मिलता ही नहीं है, तो कस्टमर बहुत परेशान होता है। तो इसका फॉल्ट दोस्तों यही है कि इसमें कूलिंग कॉइल लीक हो जाती है, तो इसका ये इशू है। बाकी बायर साहब को भी दिखाना चाहेंगे और नई कूलिंग कॉइल दिखा जरा। तो इसमें ये ना कि इसमें अभी खोलने के लिए इसके जो ये कि पहले डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, सारा डैशबोर्ड पीछे रख के उसके बाद इसके ये वेपर रॉड्स खोलेंगे। वेपर रॉड्स खोल के इसके बाद इसके अंदर 2 बोल्ट्स होते हैं, वो इसके होते हैं कि हमें वेपर मशीन पूरी खोलनी होगी। आप कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आफ्ताब कार एसी पे। तो ये है कि खोलता तो मैं खुद हूँ, लेकिन ये है कि बाकी जो वर्कशॉप का रिव्यू भी आप देख लें, वर्कशॉप भी कितनी प्यारी वर्कशॉप है। तो आराम सुकून से गाड़ी आपके अंदर खड़ी हो सकती है, बाहर रोड पर खड़ी नहीं हो सकती है, सुकून से काम हो सकता है, और कहीं गाड़ी आपको छोड़ना भी पड़ जाए वर्कशॉप में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाया करें, मज़ीद आगे बता देंगे इंशाल्लाह। अभी इसमें हम कूलिंग कॉइल फिट करेंगे, गाड़ी में डैशबोर्ड फिट करेंगे, फिर मज़ीद आपको बताएंगे। वेपर मशीन खुलती है क्योंकि यहाँ पर इसके स्टड लगे होते हैं, डैशबोर्ड के 2 स्टड होते हैं सामने जैसे आप देख रहे हैं, वेपर मशीन का ग्रिप है ये और शील खुलती है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमने इस वक्त डब्बे को जो है ना बाहर निकाल लिया, कूलिंग कॉइल को जो आप कूलिंग कॉइल भी कह सकते हैं। तो ये इसकी ओल्ड वाली कूलिंग कॉइल है जो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी डैमेज हो चुकी है और ये लीक कर चुकी है, तो कंपनी फॉल्ट है। तो अभी जो है ना हम इसके लिए लोग बाज़ औक़ात इसको बैर की आजकल अजीब से नाम निकले हैं, सक्सीज और उसके बाद वी कूल, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने कंपनी वाला इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम होंडा कंपनी से लेकर आए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं तो वो ले आते हैं। अगर आप गाड़ी हमारे पास खुलवाएंगे तो आपको जेन्युइन मतलब कॉइल यहीं से मिल जाएगी, हम कंपनी से अरेंज कर लेते हैं 20-25 मिनट में। तो बेहतर यही होती है कि आप जो है ना इसकी जेन्युइन कॉइल डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी अब क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा होता है और वी कूल और सक्सेस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जेन्युइन कॉइल डालें तो वो ज़्यादा परफेक्ट है, तो बाकी आपको बता दें। तो दोस्तों इस वक्त हमने डैशबोर्ड को पूरा फिटिंग कर लिया है, तो उसके बाद ये ना कि इस गाड़ी को जब हम खोलते हैं तो उसके लिए फिर जोड़ने के बाद इसको स्कैनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने भी इसको स्कैनर लगाया हुआ है, तो ये बहुत मस्त होता है। स्कैनर अभी इस वक्त रीड कर रहे हैं, जब हैंडल पूरा जाएगा हेल्थ रिपोर्ट पे करना पड़ता है क्योंकि ऑल क्लियर करना पड़ता है, अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये इस वक्त ये पूरा हमने 100 हो गया, इसमें ये कुछ ये जो नॉर्मल है तो ये नॉर्मल हो गए हैं, और ये आपके इस वक्त आपके सामने ये नॉर्मल हो गए हैं, और ये जो है ना ये हैं, तो इसको क्लियर DTC करेंगे, तो ये क्लियर किया और ये क्लियर किया, तो इसको ऑल क्लियर मार देंगे और उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।